लेट्स फिक्स ब्रिटानिया चीज़ा लेबल डिज़ाइन टुडे, बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक कि अभी जो करंट डिज़ाइन है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो ये है करंट डिज़ाइन। अगर हम एक गो में देखें तो सब कुछ बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। वी कांट फिगर आउट कि वो सबसे पहले क्या दिखाना चाहते हैं, क्या वो अपना लोगो दिखाना चाहते हैं, या फिर वो चीज़ा वर्ड पे फोकस करना चाहते हैं, या फिर वो इस प्रोटीन वर्ड पे फोकस करना चाहते हैं, तो कुछ भी क्लियर नहीं है। जब हम पैकेजिंग या लेबल डिज़ाइन करते हैं तो हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए कि हम ऑडियंस को सबसे पहले क्या दिखाना चाहते हैं, एंड वो किया जाता है हायरार्की के थ्रू। सो जो चीज़ हमने दिखानी है वो हम या तो बड़ी रखते हैं या उसका कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा अप रखते हैं। सो वो चीज़ इसके अंदर मिसिंग है। एंड ये येलो एरिया ये काफ़ी प्लेन है, यहाँ पे या तो कुछ किया जा सकता था या फिर इसको इतनी एम्प्टी स्पेस की नीड नहीं थी। आफ्टर दैट अगर हम देखें तो लोगों के अंदर ये काफ़ी प्यारी शेप है ब्रिटानिया लोगों में। यहाँ के ऊपर भी एक कर्व है एंड बॉटम पे भी उनकी दो शेप्स हैं, एंड लाफिंग काउ के अंदर भी एक ट्रायंगल शेप है एंड ऊपर से एक ये प्यारा सा कर्व है। लेकिन अगर हम ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो वो कोई भी एलिमेंट डिज़ाइन में यूज़ नहीं किया गया है। अगर हमारे लोगों में अच्छे एलिमेंट्स हैं, वाई नॉट टू यूज़ दैट एंड मेक अ पार्ट ऑफ आर लेबल डिज़ाइन। सो वो चीज़ आई थिंक हम करेंगे अपने डिज़ाइन में। जो ये लोगो है ये काफ़ी बड़ा है एंड काफ़ी सारा इसके अंदर टेक्स्ट है जो रीडेबल भी नहीं है। एंड देन अगर हम इस टेक्स्ट की बात करें तो ये इसके बैक पे जो इमेज है वो काफ़ी कलरफुल इमेज है, लाइक ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन है, येलो है, एंड उसके ऊपर हमने ब्राउन कलर का जो टेक्स्ट रखा है वो बिल्कुल भी उसको रीडेबल नहीं बना रहा है। सो ये हमें चेंज करना चाहिए। अगर कोई टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है या इवन नहीं भी है तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि उसको पढ़ने के लिए हमें उसके बैक पे इनफ कंट्रास्ट देना चाहिए सो दैट वो इजीली रीडेबल हो। एंड सेम ही प्रॉब्लम वो इस एलिमेंट के साथ भी है एंड सेम ही प्रॉब्लम इसके साथ है। आफ्टर दैट विद मोज़रेला, इसमें विद के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ग्रीन के ऊपर रेड कलर इज नॉट गोइंग वेल। एंड ऑल्सो मोज़रेला प्रोडक्ट का एक नेम लग रहा है, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोडक्ट का टाइप हम बोल सकते हैं कि ये मोज़रेला चीज़ है। तो ये हमने प्रोडक्ट का जो मेन नेम है चीज़ा या चीज़ फॉर पिज़्ज़ा उससे काफ़ी दूर रखा है, मतलब इतनी दूर की नीड नहीं है क्योंकि वो प्रोडक्ट का ही पार्ट है। तो आई थिंक इसको प्रोडक्ट के साथ होना चाहिए। सो फाइनली हम बात करते हैं इमेज की। तो इमेज जो है वो दिखा रही है कि एक पिज़्ज़ा है और वो उसको ऐसे उठा रहे हैं सो दैट वी कैन सी द चीज़ बिकॉज द प्रोडक्ट इज चीज़, वेरी स्मार्ट। बट यहाँ पे तो हमें चीज़ नहीं दिख रहा इतना, यहाँ पे चीज़ दिख रहा है। अब यहाँ पे चीज़ दिखने के साथ वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो ये वाले एनर्जी वाला एलिमेंट और ये ग्रीन जो सिंबल है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। सो जो इमेज का पार्ट है हमारा ये हमारा डिस्टर्ब हो रहा है ये दो एलिमेंट्स की वजह से, जिससे कि जो हम प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं चीज़ उस पे फोकस नहीं जा रहा, पिज्ज़ा पे जा रहा है, दैट इज़ ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने डिज़ाइन से। सो साइज़ मैंने सेम उनका साइज़ लिया है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। अगर हम ये क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो हमें उनसे प्रॉपर डाइलाइंस लेनी होती है सो दैट वो प्रिंटर को जब डाइलाइन के अंदर फाइल दे तो उसको प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेस करते हैं ब्रिटानिया का लोगो। ओके, सो ब्रिटानिया का लोगो हमारे पास आ गया। आफ्टर दैट लेट्स प्लेस द लाफिंग काउ लोगो। ब्रिटानिया का लोगो अच्छी क्वालिटी में वॉज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, लेकिन लाफिंग काउ का काफ़ी ब्लर उसके अंदर अवेलेबल है। सो हम इस पर थोड़ा सा शार्पन लगा देते हैं। सो ये लोगो सिलेक्ट करके आई विल गो टू फिल्टर शार्पन एंड शार्पन, तो थोड़ा सा ठीक हुआ है, एक बार और लगा लेते हैं। राइट, आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा इफेक्ट लगाने से कितनी अच्छा इसके ऊपर शार्पनेस आ गया है। सो दिस इज़ विदाउट द शार्पन फिल्टर एंड दिस इज़ विद द शार्पन फिल्टर। ऑल राइट, सो नाउ वी हैव द लोगो एंड एवरीथिंग। एक चीज़ जो मैंने नोट की उनके करंट डिज़ाइन में, जो उन्होंने ब्लू एंड येलो कलर यूज़ किया है, दैट कलर कॉम्बिनेशन दे यूज़ थ्रू ऑल देयर प्रोडक्ट्स। सो वो कलर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो अगर हम देखें यहाँ पे ब्रिटानिया चीज़ प्रोडक्ट्स,
सो यू विल सी कि उनकी पूरी की पूरी रेंज में उन्होंने ये ब्लू एंड ब्लू कलर जो है वो कंसिस्टेंटली यूज़ किया है. सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट कलर बिकॉज द आइडेंटिटी इज ऑलरेडी देयर, राइट? ओके, सो नाउ वी विल सेलेक्ट दिस ब्लू कलर सो दैट वी कैन यूज इट इन आर डिज़ाइन. आई जस्ट क्लिक ऑन दिस पॉइंट हेयर एंड क्लिक ऑन द ब्लू एंड वी हैव द ब्लू कलर नाउ. ओके, नाउ वी विल ड्रॉ सम शेप्स विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द लोगोज. फर्स्ट यूजिंग द पेन टूल आई क्रिएटेड दिस ब्लू शेप. Then I created this yellow shape. Then I added two green shapes. So we have a colorful designs. And ये जो सारे colors हैं blue, yellow and green, all these colors are taken from existing design because I don't want to change the identity so that audience gets confused. तो audience को confused नहीं करना है whenever we are redesigning. Okay, so we have the base ready. Now let's write the text. चीज़ा करंटली अगर हम देखें तो ये काफ़ी बोरिंग टेक्स्ट लिखा है बोरिंग फॉन्ट के अंदर एंड हम लोग इसको चेंज करेंगे एंड इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा करेंगे. सो दैट इज़ माई चीज़ा टेक्स्ट एंड इसका कलर एग्जैक्ट येलो है जो कि हमने शेप में यूज़ किया है जो इस लोगो के अंदर भी है. लेकिन अगर हम करंट डिज़ाइन की बात करें तो इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स देयर इन द लोगो. नाउ लेट्स राइट द सेकेंड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट चीज़ फॉर पिज्ज़ा. इसको मैंने रेड कलर में लिखा है. अगेन रेड कलर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लोगो एंड येलो के ऊपर रेड का कॉम्बिनेशन इज़ लुकिंग वेरी नाइस, नाइस कंट्रास्ट. नाउ लेट्स राइट विद मोज़रेला. विद मोज़रेला को मैंने थोड़ा सा कलर लाइट किया बिकॉज वो एक सब पार्ट है. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट सो आई हैव केप्ट इट विद चीज़ फॉर पिज्ज़ा. एंड इसका फॉन्ट मैंने थोड़ा सा फंकी लिया क्योंकि प्रोडक्ट टाइप इज़ वेरी यू नो एक कैजुअल सा प्रोडक्ट है चीज़ पिज्ज़ा happy. So I have used very funky font for with Mozzarella and the font name is also cheese bread. All right, now the time for the image. I'm going to use this illustration and this illustration I created using Midjourney. But if I have time and if I'm creating it for a real client, I make sure either I purchase it from stock or I create it manually based upon the client's product. Because we cannot use AI generated images as we do not know कि उसके ऊपर किसका copyright है किसका नहीं है. So we always use या हम खुद create करते हैं या भी buy or the client provides. So we have the image with us here. Now it's the time for the extra elements. Okay, the protein logo here, it's very important. But I have reduced the size a little so that it's not that prominent. It's a USP but not that prominent. Okay, to match the color of this yellow I have made some adjustment. So now we have similar yellow everywhere. So now we have this area for extra text and extra elements and we have this area and we will utilize these areas. All right, so we will add the green symbol, the vegetarian symbol, and write processed cheese below. This I have written in this font because there are some standards that we have to follow. So it's written in this basic font only. Then we have the energy icon. So this energy icon was available on internet, but it was available like this, just an outline with a stroke. So I filled white color and added my text here. So now let's add the suggested serving text. We have it. And the text here. All right. Now let's take a closer look. I think this black registered sign is looking very odd here. So let's just color it white. I'll just use a brush and clip it. Okay. So I'm using very destructive methods to, you know, make changes in logo. Like I used the sharpen filter and now just coloring it like that. But if we are working for a client, we have to ask for the vector logos or we have to create the vector logos because that will have a problem in printing. Plus the colors and everything won't be same and we will also be having issues in using the design properly. So always ask for the vector logos and brand guidelines from your client whenever you're working on any design, whether it's a label, website, app, brochure or anything.
All right. Okay, so here's our design and here's the current design. So you can see I have not made many major changes, like I have not changed the layout at all, but still making small changes in image, in, you know, readability, in shapes makes a very big difference. And now it's the time for some awesome mockups. For mockups, I will be using Firefly and Photoshop. Let's go. I hope you guys found this video helpful. If you have any comments, suggestions or anything, please feel free to share in the comment section. And please do subscribe the channel, because I'm planning to create a lot more content regarding illustrations and design for you. So please make sure you subscribe so you can stay tuned and I can also get some motivation to create even better content for you. Thank you. I'll see you in next video. Bye.